क्या बताओ, बहुत एक्साइटेड मैं, इतने सारे लोग आए हुए, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, सो आई रियली होप ऑडियंस को भी ये गाना बहुत अच्छा लगे। इंस्पायर्ड लाइक मुझे लगा कि एक पेपी सॉन्ग करते हैं, मुझे एक दिन अचानक से माइंड में आया। सो इसके लिए मैंने जपिंदर को पूछा कि जपिंदर एक पेपी गाना करें, सो उसने बोला चलो करते हैं। तो उसने अमेजिंगली एक लिरिक्स लिखा इस गाने का और उसको अमेजिंगली कंपोज किया ऋषि दत्ता ने और मैंने गाया, संदीप चैटर्जी ने मिक्सिंग मास्टरिंग की है। सो थैंक्स टू द होल ऑडियो टीम फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग। हाँ सॉरी, ये सॉन्ग मेरा खुद का सॉन्ग है, तो आज रात आज रात तक अब सबको मिल जाएगा। ये शूट हुआ है गोवा में, गोवा में शूट हुआ है। यस, आगे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है एंड आई रियली होप ये गाना सबको पसंद आएगा और इसके बाद सबको अच्छा लगेगा। दैट्स इट, आई रियली होप दैट। श्रेया घोषाल फॉर नाउ। Finally, the long wait has been over, and we have a microphone that has been arranged for one of us. You can please take your seat. चिराग भाई ये बाइट हो जाने दो, उसके बाद सिंगिंग कब से शुरू किया, आपके जर्नी के बारे में बताएंगे थोड़ा। हाँ, सिंगिंग मैंने शुरू किया था बचपन से ही, 5 साल की जब मैं थी तो मम्मी मेरी इंस्पिरेशन है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी फर्स्ट टीचर मम्मी थी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे क्लासिकल टीचर से ट्रेनिंग ली और फाइनली मुझे लगा कि इसको एम बनाना चाहिए और फुल ऑन मम्मी पापा के सपोर्ट से आज मैं बॉम्बे में हूँ। कौन सी हीरोइन है जिसके लिए आप? हाँ, प्रियंका चोपड़ा, आई वुड रियली लाइक टू सिंग फॉर। यस, यस काफ़ी सारे, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। Why did you start a career with the reality shows is happening, you know, which is based on music? Actually, reality shows का वो time गया, मैंने काफ़ी सारे कर लिया और बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिया, वो टाइम चला गया, अभी कुछ रियल करना है रियलिटी शो से हटके। ओके, सिंगिंग भी हमेशा सेम रहा है या एक्टिंग भी करना चाहते? सिंगिंग ऑब्वियसली, सिंगिंग ऑलवेज माय पैशन और सिंगिंग को लेकर काफ़ी सारा ड्रीम है। यस यस, प्लीज समीर जी इनको इंट्रोड्यूस तो नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत कम आता हूँ, बहुत मुश्किल वक्त नजर आते हैं आप, क्या खास वजह यहाँ आने की? बस मैंने इसकी आवाज़ सुनी एंड जितने नए सिंगर्स आ रहे हैं शी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। और एक बहुत अच्छी बात है कि ये शौक से नहीं गाती है, ये दिल से गाती है और तब मुझे अच्छा लगा, मैं बोला नहीं यार मैं जाऊँगा ज़रूर। एंड मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस इनको एंड आगे आने वाले वक्त में शी विल मेक हर मार्क and she'll be the one of the successful singer. Thank you so much. Okay, so you are one of the most successful legend in the industry. Oh my god. And you have done so much work, you know. Yeah. Hum sab ne dekha hai, being a journalist or being a film critic or being an audience, aaj jo music ka halaat hai, jo music hai, uske bare mein kya kehna chahenge? Are bahut acche halaat hai bhai, itne acche halaat hai, aaj to itna bada प्लेटफॉर्म हो गया है, इतना बड़ा मीडिया इतना बड़ा हो गया कि उस हमारे वक्त नहीं था। आज मीडिया, आप यूट्यूब है, चैनल्स हैं, आप कितनी जगह जा सकते हैं और म्यूज़िक हमेशा अच्छा होता है, वही चलता है। क्या वो दौर था, चाहे ये दौर है, चाहे आने वाला, जो बेस्ट म्यूज़िक होगा वही चलेगा। तो वो कभी ये मैं कभी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि नहीं, उस वक्त हम लोग क्या काम करते थे, आजकल क्या काम हो रहा है, नहीं आज भी बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा ही काम चलता है। ओके, जो रियलिटी शो है आज की तारीख में, जिस रियलिटी शो हो रहे हैं, एक कोई शख्स बाहर से आता है, कोई रूरल एरिया से आता है और रातों रात स्टार बन जाता है, तो अच्छी बात है ना, इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। लेकिन जिस तरह से अगर हम जो पिछले यू नो सिंगर्स रहे हैं, चाहे मैं शब्बीर साहब की बात करूँ या और भी बहुत से सिंगर हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, वो कहीं गुमनामी में खो गए। नहीं नहीं, अभी हमको लगता है सिंगर्स है ना, कभी भी गुमनामी में नहीं जीते। वो शब्बीर कुमार अभी भी महीने में 8-10 शो करते हैं, कुमार सानू वन ऑफ द बिजिएस्ट सिंगर ऑन स्टेज, मोहम्मद अजीज़ 20 शो करते हैं, बिल्कुल, और
सिंगर है, सर्वश्रेष्ठ गायन है, गाना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कभी मरता नहीं है। बिल्कुल। और सिंगर अगर अच्छा अपने आप को संभाल के रखे तो वो 80-90 तक गा सकता है। करंट जंग में सब सिंगर अच्छे हैं, श्रेया अच्छी है, पलक मुचाल अच्छी है, सुनिधि अच्छी है, अरिजीत है, एंड अल्तमश है, शादाब फरीदी है, एंड शाहिद मालिया बहुत अच्छा गा रहा है आजकल, और आप नीति मोहन है, सारे जितना भी लॉट है, नेहा बसीन है, सब सब बहुत अच्छा गा रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे नहीं, नहीं भाई, एक ही जगह पे पांव रखना, दो जगह ना पे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जब आप टॉप के सिंगर हो जाएंगे ना, तो सिंगर आर्टिस्ट से बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हीरो हीरोइन से बड़ा सिंगर होता है, ये ध्यान में रखना। डेफिनेटली सिंगर इज अ कूल, सर्वश्रेष्ठ गायन, मैं बोला सर्वश्रेष्ठ गायन, बिल्कुल, फिर वादन, फिर डांस, और फोर्थ कैटेगरी में आता है एक्टिंग। वो भांड लोग एक्टिंग करते हैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्टिंग फोर्थ कैटेगरी में आता है। आपका सिंगर सॉन्ग कौन? यस, सो आज जिसका पार्टी है सो वही गाना मैं गाना चाहूंगी। समी जी प्लीज, आई थिंक यू लाइक इट। हाँ मैंने सुना, बहुत अच्छा। बिल्कुल। Okay, so Ajmera Khan is the owner, from brand manager of the Unique Events. We are based in Kuwait. Yes. Since 15 years, yes. Yes. Okay. And we would like to introduce ourselves as Al Salam International Trade. And we are into various things like construction, education, and supply, import, export, and all. But yeah, Unique Event is one of the, you know, part of it. And we are very happy to associate with Amika Sheer. Thank you and so we are proud much. To be. Thank you, thank and you. And inshallah, we are doing some good work yes, soon. Yes. And let's cut the cake. करेगी लेकिन केक तो कट कर दो ना, केक तो कट करने के चाल जी मेरे देखे दुनिया खड़के यहाँ वहाँ क्या ढूंढे मुझको दिल में रहते हूँ अखा शराबे वे आजा पिले सोने आ तू अखा शराबे वे आजा पिले सोने आ तू अखा शराबे वे आजा पिले सोने आ तू अखा शराबे वे आजा पिले सोने आ तू।